हाईजैक हुआ एमवी लीला नॉरफॉक। अरब सागर में सोमालिया तट के पास एमवी लीला नॉरफॉक नाम का जहाज हाईजैक हो गया है। इस पर 15 इंडियन क्रू मेंबर सवार हैं। ये जहाज ब्राजील के पोर्टो ओको से बहरीन में खलीफा बिन सलमान की ओर जा रहा था, लेकिन सोमालिया से 300 समुद्री मील पूर्व में इसे हाईजैक कर लिया गया। अब इस गंभीर मामले पर भारतीय नौसेना ने बड़ा कदम उठाया है। एक्शन मोड में भारतीय नौसेना। इंडियन नेवी ने वॉरशिप आईएनएस चेन्नई के अलावा एमपीए यानी मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय कर दिया है। नेवी के P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने 5 जनवरी को शिप के ऊपर उड़ान भरी और संपर्क स्थापित किया। नेवी का कहना है कि MNF यानी मल्टीनेशनल फोर्सेस और एजेंसियों के सहयोग से लगातार सिचुएशन पर नजर रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि हाईजैक किए हुए शिप से संपर्क स्थापित किया जा चुका है, जिससे हालात का अंदाजा लगाना आसान हो गया है। इस वेसल से UKMTO यानी यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस को एक मैसेज भेजा गया था, जिससे पता चला था कि 4 जनवरी 2024 की शाम को हथियारों से लैस कम से कम 5 से 6 अज्ञात शिप पर चढ़े थे। जानकारी के अनुसार हाईजैक किए गए जहाज के चालक दल में 15 भारतीय भी शामिल हैं। हाईजैक की जानकारी मिलने के बाद तुरंत ही इंडियन नेवी एक्शन मोड में आ गई थी। ANI की रिपोर्ट में एक सैन्य अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि नेवी का युद्धपोत INS चेन्नई इस स्थिति से निपटने के लिए अगवा किए हुए जहाज की ओर लगातार बढ़ रहा है। अधिकारी ने यह भी बताया कि भारतीय नौसेना लगातार MV लीला नॉरफॉक शिप पर कड़ी नजर रखे हुए है। बताया जा रहा है कि जहाज पर लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ है। पहले भी हुए समुद्री हमले, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि अरब सागर में किसी जहाज पर हमला हुआ हो। इससे पहले दिसंबर के महीने में अरब सागर में पोरबंदर तट पर MV कैम्प्लूटो पर ड्रोन हमला हुआ था। जिस जहाज पर हमला हुआ था उसमें 21 भारतीय सवार थे। जिस दिन ये हमला हुआ उसी दिन भारत की ओर आ रहे कमर्शियल ऑयल टैंकर को भी निशाना बनाया गया था। बढ़ते हमलों के कारण भारत की चिंता बढ़ गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए नेवी ने P-81 लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट को निगरानी के लिए डिप्लॉय किया हुआ है। साथ ही INS कोची, INS कोलकाता आदि को भी तैनात किया हुआ है। कमर्शियल शिप्स पर बढ़ते अटैक्स के कारण ग्लोबल ट्रेड के रूट को रीरूट किया गया है। समुद्र के रास्ते इन कमर्शियल शिप्स के जरिए ऑयल, नेचुरल गैस, अनाज समेत कई जरूरी सामान को लाया और ले जाया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2008 से साल 2013 के बीच पायरेट अटैक पीक पर थे, जो कि भारतीय नौसेना और मल्टीनेशनल मैरीटाइम टास्क फोर्स की बदौलत बिल्कुल ना के बराबर हो गए थे। बढ़ते हमलों के कारण नेवी एक्शन मोड में आ गई है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।